गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, ये भी कह सकते हैं। कहने का तरीका अलग अलग होता है भाई सबका। हम तो भाई अपने आ जाओ और मौज मस्ती करते हैं आज दिन भर, देखते हैं क्या होता है। अभी तो चल रहा है हमारे दूध और ब्रेड, बच्चों को पढ़ा के आए हुए, पापा पढ़ा रहे हैं उनको। ये दीवार अभी, ये दीवार हो गई, यही नहीं हुआ पेंट, आज अंदर चल रहा है पेंट। रूम की दो दीवार रह रही थी ना, तो वो कम्प्लीट हो जाएगा। फिर ये तीनों रसोई, ये रूम और ये साइड वाला रूम, ये दोनों कम्प्लीट हो जाएंगे। फिर अंदर वाला रूम रह जाएगा, स्कूल सारा हो जाएगा कम्प्लीट। तो चलो अभी तो देखते हैं कुछ, इसके बाद अगर कुछ खाने वाने का प्लान होता है तो मैं कमल साथ जाते हैं, बिरयानी विरयानी खा के आएंगे, बहुत दिन हो गए। तो चलो अभी ब्रेड व्रेड खाते हैं। और आज का प्लान कुछ ऐसा, भैया कह तो रहे थे, पता नहीं वो होगा नहीं होगा कि दिल्ली चलने का, और पता चलेगी। तो वैसे अपने आज के इंतगाम में, अरे भैया देख गया फोन चालू हो जाता वहाँ बैठते ही। हाल है, चलो मैं यार मुसीबत मोल ले तो डोडू कहा, मुसीबत ले देन मोल हैं। बेस बेस का ले ली, बता दें हमें अभी। हीरो भाई की दुकान, हम बैठे आराम डालते भागते मार के सब कटे हुए चल रहे। सो गाइस अपना निकल चुके हैं हम, कहाँ जा रहे हैं भैया, बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं। पैसा वैसा बहुत है ना, तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं हम, लेने जा रहे हैं। आगे वाली गाड़ी दिखाया, इसके अंदर कितना रेस्ट रेस्ट चला रहा है। हाँ बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ देखो हमें रेस्ट ड्राइविंग करनी पड़ रही है। हाँ इसके चक्कर इसको दिखाने के लिए। हाँ डीपीएससी सेक्टर 98 वाला ये देखो भाई साहब, पूरे कट पे मोड़ दिया सी बस पूरी बड़ी। ये बेचारे इसमें ब्रेक ले कर ही ईश्वर वाले ने। हाँ तो ठीक है, उसे तो अपने बच्चे बचाने हैं। हाँ देखो देखो बचाने देखो, के नहीं बचाने देखो। ब्रेकर पे रुकी है इसने। हाँ ब्रेकर पे ब्रेक लगी है इसकी, कोई ना इसमें मेंशन की जाएगी। आज मैं मेंशन करूंगा अपडेट करके डीपीएस वाला सेक्टर 98। ये देख लो भाई सामने है बस। अरे भैया तू मत निकलन दिया, आ जाओ ऐसी बस कर लेंगे भैया, हम खाटू जी वगैरह जाएंगे जब। मैं बताया था आपको, हाँ हाँ छोटी सी नहीं, वो ट्रैवलर लेंगे, वो ज़्यादा सही रहती है। उसमें एसी तो होगा, इसमें शायद एसी नहीं होगा। इसमें एसी नहीं है, उसमें एसी है ट्रैवलर में। ये मतलब इनको ये है कि भाई बस अपना जल्दी निपटा उठो के घर गाड़ी जाके कर दें, की जान की कीमत। हाँ चलानी पड़ रही है हमें। अभी कुछ टाइम पहले के मतलब जस्ट कोरोना स्टार्ट हुआ था जब स्कूल बंद होना स्टार्ट हुए थे। हाँ। तो यहाँ पे शांति निकेतन स्कूल है तिगांव में। अच्छा। उस बस ड्राइवर ने इतने लापरवाही चला रहा था कि उसकी बस पलट गई। तो बच्चे, तीन बच्चे तो बस के मरे, एक अच्छा? बच्चा वो बस के नीचे दब के मरा। मतलब लड़की थी 12th क्लास की, वो बस के नीचे दब के मरी है। देख तो क्या कट मारा। हाँ मैंने जब ही देख बता नहीं रहा था आपको, मैंने कि ऐसे कट मार के ला रहा है पीछे से। तो फिर उसने ये लगा लो, उसके 25-30 लाख रुपए खर्च हुए थे स्कूल वाले के। सर उस बस वाले ड्राइवर की, बस ड्राइवर के, बस ड्राइवर की गलती की वजह से। हाँ लेकिन वो स्कूल तो बहुत सस्ते में निपट गया। हाँ सस्ते में, यहाँ का स्कूल था ना दिल्ली वगैरह का, फरीदाबाद का भी होता कोई तो मान के गए होंगे पेरेंट्स, वो ये केस लड़ देंगे। तो वो अपनी पूजा करती दिखा दी उसने स्कूल वाले। एक चीज और होती है ना, कई बार क्या होता है कि जैसे कम उम्र का ड्राइवर है, कोर्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि कम उम्र का है, छिछोरा है, लुक्स के हिसाब से, तो कोर्ट कहती है कि तू तेज चला रहा होगा। तो क्या करते हैं ये लोग ना, सामने पेश करेंगे एक्सपीरियंस बंदे, एक्सपीरियंस बंदे को। हाँ जो बड़ा बूढ़ा टाइप का, कभी कोई चालान नहीं कटा होगा, बिल्कुल ओल्ड एजड होगा, उस आदमी को पेश कर देंगे जी गाड़ी ये चला रहा था, ये चला रहा, सही बात, और उसे गायब कर देते हैं। और ये जो बस ड्राइवर वगैरह लगे हुए हैं ना, सारे ये यंग एज के लगे हुए हैं। हाँ जो मतलब ये है, लेकिन मतलब अल्टीमेटली बात ये होती है ना कि देखो स्कूल भी कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर स्कूल की प्रेमिस से बाहर हो गए, ड्राइवर के हाथ में बच्चों की जान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ड्राइवर इस हिसाब से चलाएंगे अपनी, ड्राइवर ऐसे चलाएगा तो क्या काम ना देखे भैया, कोई ना देखे, मतलब स्कूल की फीस प्लस में ट्रांसपोर्ट की फीस बराबर आ जाती है। बराबर बिल्कुल है ना। और इतना सब कुछ खर्चने के बाद भी बच्चों की सेफ्टी का कोई परवाह नहीं कर रहा है। और डीपीएस जैसा स्कूल, सबसे बड़ी बात डीपीएस है जो टॉप 5 स्कूल्स के अंदर है जिसका नाम, हाँ वो अगर ऐसा कर रहा है
दिल्ली के तो टॉप फाइव में है ही है, बाहर के टॉप फाइव में नहीं। अभी अच्छे डीपीएस के अच्छी हुआ है अपनी पकड़ है आज। तो देखो जब ये हाल है अभी लगाओ कि हम इसकी कह रहे हैं डीपीएस की जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनकी नहीं हो रही। अब एक यहाँ पे स्कूल है प्रेसिडियम के नाम से, देखा होगा प्रेसिडियम है, उसके एक दिन देखा मैंने बस ड्राइवर, वो भी बहुत भयंकर तरीके से चला रहा था ऐसे ही। क्या कहोगे किसी को? नारायणा, नारायणा तो काफ़ी अच्छी ब्रांच है। हाँ नारायणा अच्छा स्कूल है, उसके सारे ये लगे हुए हैं जो कहते हैं ना यंग एज के बच्चे। हाँ मेरे ख्याल से 22-24 लास्ट केएलजे वाला है जो इसमें। अच्छा, और वो तो भैया जुनून है, चलाएंगे वो तो अपने हिसाब से फिर। और मल्ला भाई हमारे सामने आ गए। तो चलो अभी हम जा रहे हैं, एक कुछ थोड़ी डील है मतलब मीटिंग है थोड़ी सी, उसको करते हैं उसके बाद देखते हैं। आज ये पंखे रखे हुए हैं पीछे टिक्की में। अच्छा उसके बाद आ रही है ये ठीक होने के लिए डाल के आने हैं, आते वक्त गाँव से होकर आएंगे। ठीक है चलो पहले चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे। इस वजह से हमें थैली में देना पड़ता है क्योंकि आपस में स्क्रैचेस आ जाते हैं। स्क्रैच आ जाएंगे क्योंकि इसको नहीं, ये प्लेटिंग है, ये जो है ना स्क्रू, ये दूसरे पीस को खराब कर देगा अगर हम ऐसे ही पैक कर देंगे। जानते हो क्या होती है शंकु स्क्रू? पीओवी कौन सी कंपनी की है ये नहीं पता मेरे को। वैद्यनाथ। वैद्यनाथ या वैद्यनाथ? वैज। एक वैद्यनाथ है एक वैद्यनाथ है, मतलब शाकाहारी नाथ। शाकाहारी नाथ वैज तो शाकाहारी हो गया ना। उड़ा दें दज्जी। तो चलो भैया अपना चलते हैं, फिर घर आए हैं यार भैया, गाँव जाना है, दूध लेके आना है और स्कूल के एक दो पंखे हैं वो ठीक होने के लिए डाल के आने हैं। अरे भैया हमको तो ये गाड़ी छोटी पड़ने लगी अब। तो गाइस अपना सारा वाला काम निपटा के, ओ गाने बंद कर ले, कॉपीराइट डलवाएगी गाने बंद कर ले। तो अपना काम वाम सारा ख़त्म करके अब आ गए घर पे, हमारी भाभी काम कर रही है नार पूरा पड़े यार आगे देखो। तो भैया नहीं दिख रहे, भैया कहाँ गए? भैया जनता आपको पूछ रही है, जनता आपको पूछ रही है, बाल अजीब से लग रहे हैं। तो अभी अपना काम वाम कर लिया, मम्मी और मनी तो गए थे फंक्शन में वहाँ पे गांव में ही, तो हम मैंने खाना नहीं खाया और पापा ने खाना नहीं खाया। क्या इट के लिया चल हाथ में लग रही है तो मैंने तो बोल दिया ना 2 दिन हो गए मेरे को ना आए, पर तेरी तरह नहीं रहता मैं कल। आप गंदा रहने ही नहीं ना मेरे को। भैया कहाँ गए? क्या हो गया? तो चलो अभी खाना वाना खाते हैं, फिर सब मैं घर जाऊँगा, फिर देखते हैं क्या है। गंदी सी लड़की। अपना खाना आ चुका है, दाल पनीर की भुर्जी और रोटी चम्मच, चम्मच तो नहीं खाएंगे बोल पा रहे। ये देखो हमारे घर चश्मुद्दीन भाभी कह रही भूल गया मैं कह रहा हूँ कि भैया अब खाना खाते हैं दाल पनीर और ये क्या पराठा और चम्मच, फिर मेरे ध्यान में चम्मच थोड़ी खानी है। भाभी कह रही शुक्र है प्लेट नहीं बोला।